टेरेस आपने देख लिया, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसे है। मेरे फेवरेट प्लेस है। तो चलिए नीचे चलते हैं, रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया, थोड़ा जीरा, राई कटा हुआ, कड़ी पत्ता, फिर हम डाल देंगे दो प्याज, बड़ा साइज का दो प्याज भी है कटा हुआ। ज्यादा मत डालना क्योंकि मीठा हो जाएगा। स्वाद के अनुसार सॉल्ट और फिर डालेंगे कटा हुआ धनिया। बेटर है जो इडली डोसा बेटर एमटीआर का इजीली मिल जाता है, कोई भी ले लो, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने प्याज वाला जो था, प्याज कोरिएंडर लीफ वो वाला, तो इसमें डाल देंगे गाजर। और इसमें हमने ऑलरेडी पहले से सॉल्ट ऐड किया था, तो इसलिए हम थोड़ा और ऐड कर देंगे कि बेटर में सॉल्ट नहीं होता है। अब हम अच्छा से मिला लेंगे इसमें। अब फिर हम इसको 5-10 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। तो हमने गैस ऑन कर लिया। और सबसे पहले बता देती हूँ एक चीज, ये है पड्डू मेकर जो हमने ऑनलाइन खरीदे हुए थे अमेजोन से, ये सेलो कंपनी का है। तो आप कुछ कौन सा कंपनी भी ले सकते हो, वैसे बहुत सारा मिल जाता है। और अभी हम इसको थोड़ा गर्म होने देंगे और फिर हम घी से ब्रशिंग करेंगे इसके ऊपर ताकि नीचे चिपके ना।
ऊपर से कर देंगे बंद कवर। अब लो फ्लेम में पकने देंगे धीरे धीरे। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ होगा। वैसे तो एक साइड पक गया है, अब इसको पलटा लेंगे। अब जो स्टिक दिख रहे हैं आप लोगों को वो इसी के साथ आया हुआ है, तो आप स्पून से भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्टिक अवेलेबल नहीं है। तो गाइस देख लेते हैं क्या हुआ। वाओ हो गया है। तो अभी हम इसको एक एक करके प्लेट में ले लेंगे। देखिए इतना सुंदर। वाओ ये हो गया हमारा पड्डू। हे गाइस, तो आपने पड्डू का रेसिपी देखा, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया था, बहुत ही टेस्टी बना था एक्चुअली। तो आप लोग प्लीज ट्राई करिए और बनाइए घर पे, टेस्ट करिए, खाइए मस्त, और फिर आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा हुआ। तो अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलता है दूसरे वीडियो में।